Hello sab guys, welcome back to my channel Pin Gaming. Hope you guys are doing well. So aaj hum log kya karne wale wo to mere ko aur aapko pata hai. Hey boy. क्रिएट करना है 19:1080p का एक 1920:1080p का एक कैनवस. देन मैंने कुछ वो मटेरियल्स वगैरह करके रखा है. ये मेरा PNG है, मतलब PNG नहीं, इसको बनाएंगे. पहले तो एक बैकग्राउंड लेते हैं, एक बैकग्राउंड रेड बैकग्राउंड, HD वाला, हाई रेजो वाला चाहिए. ठीक है, सो कौन सा वाला लिया जाए? ये वाला लेते हैं, ये हाई रेज़ो है. कॉपी करते हैं, डालते हैं इस पर. ठीक है, एंड देन हम लोगों को चाहिए कुछ पार्टिकल्स. रेड पार्टिकल्स में हम लोग क्या ले ये लेते हैं हम लोग रेड पार्टिकल्स पे. ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, डालते हैं इधर. स्ट्रेच करो सिलेक्ट करके. इट्स वेरी इजी गाइस, चाप मत लेना. इसको अभी क्या करना है, ब्लेंड करना है. ठीक है, राइट क्लिक, ब्लेंड ऑप्शन पे जाओ, इसको स्क्रीन कर लो. स्क्रीन पे अच्छा लगेगा, लाइटिंग पे थोड़ा बेटी पड़ सकता है. बाय द वे ये भी अच्छा लग रहा है ओवरले पे. एंड इसका ओपेसिटी थोड़ा सा वो कर दो. ठीक है, हो गया. एंड देन मार लो ओके. अभी हम लोगों को हमारा फोटो इधर पे, मैं जो रखा हूँ इसको करते हैं इधर पे. एंड जिसका वो सब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, पहले तो सिलेक्ट कर लो, W मारो, सब्जेक्ट आ जाएगा. सिलेक्ट सब्जेक्ट AI का है तो थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा खुद से. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेसो टूल को सिलेक्ट करो, अल्ट दबा के माइनस करते हैं हम लोग, मतलब जो पार्ट नहीं चाहिए. अगर समझ लो ये पार्ट मेरे को नहीं चाहिए तो मैं अल्ट दबा के ऐसा कर दूंगा तो नहीं होगा. और अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के, ये प्लस आइकन आ गया, शिफ्ट दबा के, मतलब ये एरिया हम लोगों को लेना है. तो चलो अभी थोड़ा सा इधर उधर है तो सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से. ठीक है, तो अल्ट दबा के, ये पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, सो अल्ट दबा के ऐसा करके ऐसा, सो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा. चलो ये वाला हो गया. ठीक है, इधर थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं. चलो हो गया, अभी और कुछ देख लेते हैं जो जिधर थोड़ा चाहिए हम लोगों को. ये वाला थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से. अरे नहीं, आप लोग अंडू भी कर सकते हो कंट्रोल जेड मार के, अगर कुछ लेफ्ट राइट हो जाता है तो. ठीक है, इसको अबे ये हम लोग को स्ट्रेट चाहिए, समझ रहे हो, ये थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया पड़ा है. ये पार्ट थोड़ा सा इधर गलत सिलेक्ट हो गया है, सो इसको कर लेते हैं ऐसा. एंड देन इसको हम लोग को चाहिए, सो ऐसा करके सिलेक्ट कर लो. एंड मेरा कान देख लेते हैं भाई, कान कट ना जाए भाई, इसको अच्छे से. मेरा तो हाथ बैठ गया है लेजर टूल पे, सो आप देख लेना, थोड़ा धीरे धीरे करना. ये वाला भी चाहिए. एंड देन ये हम लोग एडिटिंग के टाइम वो कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और कुछ हाँ, ये वाला, ये हम लोग को एरिया नहीं चाहिए, सो अल्ट दबाओ, सॉरी शिफ्ट दबाया था मैं, अल्ट दबाओ, इसको करो ऐसा करके सिलेक्ट, सो ये चल जाएगा, हो गया. एंड हाथ को अच्छे से ले लेते अपन, हो गया. एंड देन इधर तो सब सही है, बस इधर मत्थे पे मत्था कट ना जाए भाई. ठीक है, अभी एक बार चेक करके देख लो सही है क्या. अगर कुछ सही नहीं है तो आप वो बैक कर सकते हो अंडू मार के. सो मारते हैं मास्क पे क्लिक, तो ये मेरा अच्छा लग रहा है ये वाला, है ना. सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं. सो अभी मैंने ये वाला बनाया था हाथ से, ठीक है, आप भी बना लेना अच्छा लगेगा हाथ से. सो ये क्रॉप कर लो थोड़ा सा, मैं हाथ से बना के फ़ोटो क्लिक करके डाल दिया था. अभी इसको हम लोगों को पकड़ाना है, ठीक है, पहला तो. एंड सेकंड बात है, इसको इरेज भी करना है ताकि रियलिस्टिक फील आए. ठीक है, सो इसको ऐसा कर लो.
एंड देन इस पे जाओ इडेस पे, फिर इस पे क्लिक कर लो, ओके मान लो, ठीक है, बड़ा कर लो, इसका ओपेसिटी लो कर दो ताकि आपको पता चले कि किधर किधर इरेज करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इरेज कर लो अच्छे से, देन हाथ बारीकी से करना ताकि पूरा एकदम रियलिस्टिक फील आए, अच्छा फील आए, नहीं तो थंबनेल गंदा दिखेगा बाय द वे। इसको ऐसे ऐसे कट कर दो अच्छे से, सॉरी कुछ गलती होगा तो अंडू मार लेना, ठीक है, कोई पीटी मत लेना दिमाग पे, पूरा इजी 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 इजी। थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, इसको अच्छे से वो कर लेते हैं, ओ भाई पेपर अच्छे से काटना गाइस, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, मैं बार बार बोल रहा। इतना काफी होगा शायद सी, है ना, इतना काफी होगा। अभी इसको एक बार चेक कर लो, ओबेसिटी हाई करके, ठीक ही है, इसको हम कर देंगे थोड़ा इतना, है ना, बस हो गया, इतना कर देंगे। अभी टेक्स्ट ऐड करेंगे, अभी बहुत कुछ करना है गाइस, ठीक है, हाईलाइट वगैरह वो वगैरह सब कुछ डालना है, सो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इट विल बी मोर इजी फॉर यू। फिर वैलोरेंट लगा दो इधर, ठीक है, उसके बाद मेरे को अलग फॉन्ट से करना पड़ेगा, पहले तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं पास, आप शेप्स वगैरह भी डाल के पास लिख सकते हो, मैं सिंपली ब्रैकेट पे लिखूँगा, ठीक है, ताकि रियलिस्टिक फील आए। एंड देन इसका कलर करेंगे रेड, सिलेक्ट कर लो इसको पहले, एंड देन इसको कर दो रेड, एंड नीचे आओ, ये अंडरलाइन हटाओ, हो, उसके बाद एक अच्छा सा फॉन्ट लगाओ पास का, समझ रहे हो ना, सिंपली ऐसा सिलेक्ट मारो, इसको एडजस्ट करो ठीक से, ये वीकू इधर पे हम लोग करते हैं वैलोरेंट, ओके, एंड देन इसको कर लो सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करो, कलर करेंगे हम लोग येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है, येलो करेंगे एंड देन करेंगे, इसको अंडरलाइन नहीं देंगे गाइस बाय द वे, ठीक है। अब इसको हम लोग को रैप करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, पहले तो हम लोग इसको टेक्सचर वगैरह डालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या क्या, इसको सिंपली डबल क्लिक करो, ये ठीक है, ड्रॉप शैडो मान लो, टेक्सचर मान लो, इनर ग्लो मान लो, आउटर ग्लो मान लो, बस ओके मान लो, कर दो इसको बड़ा ऐसा, समझ रहे हो ना, इसको ऐसे रखो, पहले तो पूरा ये छोटा कर लो, उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करो ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओ, बस हो गया, एंड देन इसको करना है आपके नीचे, ठीक है, इस पे, तो ये पीछे चल गया, देन इसको कंट्रोल टी मारो, ये ओपन हो जाएगा रैप, ठीक है, तो इधर पे जाओ, राइट क्लिक मारो, रैप पे जाओ, किधर गया किधर गया किधर गया, रैप टेक्स्ट, ओके, इसको मैं वेव करूँगा, अच्छा लगेगा फिर वेव पे, हो गया, हुआ ना, इसको हम लोग सिलेक्ट फिर से करेंगे, एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं ताकि ये छोटा करो थोड़ा, ऐसा रख दो, ठीक है गाइस, ऐसा रख दो, एंड ऊपर से थोड़ा, हाँ चलो ये हो गया। अभी हम लोग को करना पड़ेगा, तो मैं एरो लगाऊंगा इधर, ठीक है, मैं डाउनलोड करके रखा था, जो अच्छा लगेगा, सिंपली इधर से इंपोर्ट मारो फोटो को जो डाउनलोड है मेरा, ठीक है, ये वाला मैं इसके पीछे लगाऊंगा, ठीक है, इसके पीछे, सो ऐसा, एक सेकेंड,
इसके पीछे लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को किधर लेके जाना पड़ेगा ये टेक्स्ट, मतलब एरो का, इस पे सिंपली हो गया, हो गया ना गाइस, ये वाला। इसको थोड़ा और नीचे कर दो ताकि अच्छा लगे दिखने में। Here we go। मेरे को ये वाला थोड़ा सा इधर ट्रैक करना है शायद, नहीं रे अच्छा नहीं लगेगा। सो और एक डुप्लीकेट कर लो एंड देन ये वाला इधर डाल दो, थोड़ा सा पतला कर दो ऐसा ताकि दिखने में अच्छा लगे। इसको हम लोग हमारे फोटो के नीचे डाल देंगे, ब्लेंड हो गया, हो गया। अभी हम लोग मारेंगे हाइलाइट्स वगैरह, ठीक है, बहुत कुछ मारना है अभी। तो सिंपली इस पर क्लिक करो, इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करो एंड देन एक अच्छा सा येलो कलर चाहिए हम लोगों को, ये वाला येलो पिक कर लेते हैं, ये वाला येलो पिक कर लिया। अभी दो हाईलाइट मारेंगे हम लोग, नहीं तीन हाईलाइट मारेंगे, ठीक है। पहला ये ऑरेंज सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर बनाना, ठीक है, एक लेयर। इसको ओपेसिटी देख लो, पूरा लो कर दो, बड़ा कर लो एंड देन मार दो इधर। हल्का हल्का मार दो बस। अभी इसको भी ब्लेंड करेंगे थोड़ा देर पे, एक साथ ब्लेंड करेंगे सब। अभी इधर पे जाओ, येलो पार्टिकल्स सर्च मारो, येलो पार्टिकल्स नाउ इमेज, एक हाई रेजो पार्टिकल्स ले लो ये वाला, जैसा कि सॉरी भाई कॉपी एंड देन इधर जाके पेस्ट मार दो, इसको कर दो इसके ऊपर, ठीक है। सिलेक्ट टूल मारो, इसको बड़ा करो, पहला तो ये छोटा करो, उसके बाद इसको ट्रैक करके यू नो बड़ा कर लो, ठीक है। ये फोटो के, मेरा फोटो के बीच में आ गया, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी करना है इसको ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड पे जाओ, मैं तो स्क्रीन रखूँगा इसको या सॉफ्ट लाइट, या देखते हैं। सॉफ्ट लाइट पे अच्छा नहीं लग रहा, ओवरले पे अच्छा नहीं लग रहा, इस पर भी अच्छा नहीं लग रहा, स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, लाइटनिंग लाइटनिंग पे मोर अच्छा लग रहा है। इसको कर देते हैं हम लोग 80 एंड ड्रॉप शैडो डाल दो, स्ट्रोक डाल सकते हो आपके ऊपर है, टेक्सचर अच्छा नहीं लगेगा जो भी है। ओके एंड देन इसको कर लो ब्लेंड, इसको हम लोग ड्रॉप शैडो डाल देंगे, इसको थोड़ा सा इतना सा रखेंगे एंड देन स्ट्रोक, नहीं स्ट्रोक मत करना। ओके अभी हो गया ये वाला सीन, अभी मैजिक करेंगे हम लोग, ठीक है। सब कुछ हो गया ना, ये बॉय। अभी आप चाहो तो आपका वो नाम रख सकते हो इधर, ठीक है, मैं जैसे रख देता हूँ। देन ओए देन गेमिंग, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसको वाइट करूँगा मैं एंड कलर्स सॉरी फॉन्ट्स मैं इसको एक फ्री रखूँगा, इसको थोड़ा सा ग्लो दे देंगे ब्लेंड से, आउटर ग्लो हो गया, मोटा हो गया, ये टेक्सचर दे दिया, इनर ग्लो एंड ड्रॉप शैडो बस। ओके नाम रख दोगे तो अच्छा होगा क्योंकि कोई आपका थंबनेल एसएस मार के नहीं ले सकता, बहुत लोग होता है ना एसएस मार के मुंह बैठा देता है, सो यू कैन डू वन थिंग। ओके हो गया। और एक चीज़, बाल कलर करने के लिए हम लोग लेंगे इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर एंड देन ब्राउन का कोड आप लोग वो कर लेना गूगल से, ब्राउन कलर कोड मार के ये पिकट टूल से इधर से ले लेना, ठीक है। इधर पेस्ट मार देना, ये ओके ओके करके ब्रश ले लेना, जूम जितना भी ब्लैक एरिया है वो कर लो, मैं गारंटी देता हूँ छपड़ी नहीं लगेगा, ठीक है। जितना भी ब्लैक एरिया है वो कर लो, बूम बम बूम बम बूम बम अच्छे से करना, ठीक है। एंड में बहुत सेक्सी लगेगा मैं बता रहा, ठीक है।
ये थोड़ा सा इधर आ गया है, इसमें कोई पिटी नहीं है। इससे पूछ इरेज कर देना, इससे कुछ नहीं होगा। अभी ब्राउन मार दो पूरा जगह, अभी लग रहा है ना छपरी। ब्लेंड पे जाओ, देख लो आप पे कौन सा सूट कर रहा है। मेरे को ये लग रहा है ओवरले। अच्छा ये थोड़ा सा लो करेंगे अपन, ठीक है। शैडो डाल देंगे एंड टेक्सचर नहीं, टेक्सचर नहीं चाहिए। ओके मार दो, इरेज पे जाओ, जूम इन करो, जितना भी एक्स्ट्रा एरिया पे कलर लगा वो इरेज कर दो बस। मेरा ये वाला बाल है, ठीक है, ये वाला देख पा रहे होगे शायद से, इधर आता है छोटा छोटा, ठीक है। ये एरिया थोड़ा सा वो हो गया है, अभी मार दोगे तो आराम से हो जाएगा। जितने भी एरिया आपको लग रहा है फिल करने का जरूरत है, फिर से यू कैन डू इट अगेन, फिर से आपको ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। सही लग रहा है ना, अभी करते हैं अपन जादू। इस जादू देखो, अभी जादू देखो, ठीक है। डायरेक्ट प्रीमियर प्रो ओपन करो, सॉरी भाई प्रीमियर प्रो बोल रहा, फोटोशॉप ओपन करो। क्रिएट मैं एक वो ले लूँगा 1920 एंड 1080, 1920 1080 एक कैनवास ले लो फिर से। मैं तो ग्रुप नहीं करता भाई, इधर से सिंपली इसको मार दो इधर, ठीक है। अभी जाओ इधर पे सिलेक्ट करो कैमरा रॉ फिल्टर, देन बूम करते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं थोड़ा सा ब्लूश, क्योंकि बहुत येलो येलो आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन पहले फटने दो, ठीक है, पहले फटने दो पिक्चर, जितना भी फट रहा है आप अपने हिसाब से करो, एंड में सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टेस्ट मार लो, हाईलाइट मार दो 60, शैडो 60, अरे भाई ये 60 हो जा भाई, क्या सीन। ये भी 60 मार लेते अपन, ये बहुत ज़्यादा शैड हाईलाइट हो गया। 60 देन वाइट को घटा दो, इंक्रीज वाइट को घटा देते हैं, ब्लैक को हाई कर लेते हैं। टेक्सचर मारते हैं अपन थोड़ा हाई का, 55 का। क्लियरिटी थोड़ा लो का, 40 तक मारते हैं, नहीं 40 नहीं 30 इनफ है। डेज मारते हैं जिससे कि अच्छा दिखे पिक्चर और भी, ठीक है। अभी जितना फट रहा है फटने दो, ठीक है। सेचुरेशन थोड़ा घटाते हैं मुंह का, एंड देन डिटेल्स में जाओ, शार्पन मारो 50 मैं रखूँगा, नॉइज़ रिडक्शन रखूँगा 60 के आसपास, एंड ये हाई कर दूँगा 90 तक। बस ये हो गया क्लियर, मुंह मुंह क्लियर हो गया ना। अभी इस पे और भी लाइट मारेंगे, चाप मत लो, टेंशन मत लो, अपन है डिस्ट्रक्शन को कुछ नहीं करने का। विंटेज मारते हैं एंड इफेक्ट में जाके थोड़ा सा ग्रेन और थोड़ा सा और विंटेज, ठीक है। अभी बेसिक पे आओ, इसको बढ़ा दो थोड़ा। अभी ये लग रहा है ना बूम पूरा देखो, ठीक है, अच्छा है। अभी एक्सपोर्ट के लिए मैं बता देता, जेपीजे कर लेना, नहीं तो थंबनेल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये जेपीजे सिलेक्ट कर लेना पहला तो, एंड ये देख लेना आपका सिक्वेंस ठीक है क्या नहीं, इधर पे नाम वगैरह डाल के वो कर लेना, मेरा तो सेव है, ठीक है। सो एंड में कुछ ऐसा लगेगा, मेरा किधर गया, एंड में कुछ आपका बूम जैसा लगेगा, अच्छा ठीक है। ये तो फोटोशॉप बहुत लेट होता है भाई कसम से, ऐसा लगेगा सेक्सी वाला, ठीक है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड इसमें से आपको हेल्प मिला हो तो क्या करना है, ज़रूर से लाइक करना है, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 600, सो जल्दी से कर देना प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, आपका भाई का रिक्वेस्ट है भाई, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड, सो कर देना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय। We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than